फ्रेंड्स, कुछ चार्ट के रेंज मैंने आपको दिखाया, जैसे पाई चार्ट है, ठीक है, इसके अलावा कॉलम चार्ट बताया मैंने। आइए एक्सेल में और भी चार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक चार्ट मैंने क्रिएट करा रखा है, एक्सेल चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्ट की एरिया है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है चार्ट एरिया कहाँ होती है, ये चार्ट की एरिया है, ठीक है। ये देखिए, ये सब चार्ट एरिया है, देख रहे हैं, इसे चार्ट एरिया बोलते हैं हम। और अगर आप रो और कॉलम को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चार्ट पर क्लिक रखिए और यहां से स्विच रो एंड कॉलम में चले जाइए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो रो एंड कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। फिर वापस क्लिक करेंगे तो फिर वैसे ही आ जाएगा। तो ये है, इस तरीके से आप रो एंड कॉलम दोनों ही को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर चार्ट का टाइप अगर आपको चेंज करना हो तो यहां पर चले जाइए, आप कौन सा चार्ट चाहते हैं, एरिया चार्ट चाहते हैं, बार चार्ट चाहते हैं, पाई चार्ट चाहते हैं, ठीक है, या कौन सा चार्ट आप चाहते हैं उस हिसाब से आप ले लें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर वाटरफॉल, ये देखिए ये एक वाटरफॉल चार्ट टाइप है, तो ये भी मैंने ले लिया है। और अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा ट्रेंडिंग में। देखिए, जो सबसे कम है वो सबसे नीचे, फिर ऊपर ऊपर, ऐसे करके ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीता, तो रीता का लास्ट में 77% है, लेकिन देखिए वो अमाउंट देखिए, ऊंचाई देखिए इसकी, यहाँ पर ये ऊंचाई जो है इसको आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि किसका कम किसका ज्यादा होगा। जैसे ये है मोहन, तो यहाँ पे देखिए मोहन का मार्क्स जो है 44% ओनली है, इसी तरह से राम का मार्क्स भी 44% है। तो दोनों की ऊंचाई देखिए, दोनों की ऊंचाई इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट आप क्रिएट करा सकते हैं वाटरफॉल। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।